गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास नाइन्थ के इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे थे, इसके पहले इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर सेकंड आपका चल रहा था। तो बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोगों ने लेक्चर वन, लेक्चर टू, दो लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हम लेक्चर थ्री पर बातचीत करेंगे। लेक्चर थ्री हमारा है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, यानी कि आज की क्लास में हमें यह पढ़ना है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर। आपको याद होगा तो हम लोग किसी मैटर को क्लासिफाई किया था पिछले टर्म में। हमने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, जहाँ पर मैटर को क्लासिफाई करके उसके सभी पार्ट्स, जितने सब टॉपिक्स बन रहे थे, उसके जितने भी पार्ट्स बन रहे थे, उन पर थोड़ी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। आज की इस क्लास में हमें ये बातचीत करनी होगी कि अगर हम किसी प्योर सब्सटेंस को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इम्प्योर को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और किसी मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कैसे दोनों को एनालाइज किया जाए। इन्हीं दोनों विषयों पर हमें बातचीत करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। अब ध्यान से सुनना बेटा, नाम का प्योर आया, यानी कि हमने कहा मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, यानी कि मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला पार्ट प्योर सब्सटेंस था, दूसरा पार्ट इम्प्योर सब्सटेंस था, ऐसा हमने लेक्चर टू में आपको पढ़ाया था। तो जो पार्ट बेटा प्योर सब्सटेंस एक पार्ट हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस दूसरा पार्ट हो गया। अगर हम कहते हैं एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है ना, इन्हीं दोनों को हमें समझना होगा, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर का दूसरा नाम होता है मिक्सचर, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेज आर ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। अब जरा समझो कि प्योर किसे कहते हैं। अगर हम कहते हैं कोई सब्सटेंस प्योर है, प्योरीफाइड है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, अगर वह सब्सटेंस प्योर है तो इसका मतलब उसमें डोपिंग नहीं है। डोपिंग मतलब होता है बेटा इम्प्योरिटी का एडिशन, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्योर होगा तो उसमें एक ही टाइप की सारी चीज़ें होंगी, हम बाहर से कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं किए हैं। अगर हम बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं किए हैं, यानी कि हम डोपिंग नहीं किए हैं, उसके कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स होना चाहिए। कंपोनेंट्स का रेशियो, जैसे आप मसाला खरीदने जाते हो तो मसाला में लिखा रहता है ना ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। आप दवा लेने जाते हो तो उसमें भी लिखा रहता है ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब जो प्योर सब्सटेंस होगा उसके कंपोजिशन की जानकारी हमें होगी, और उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, यूनिक होता है, उसमें उसके कंपोजिशन में समय के साथ बदलाव नहीं होता। लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स किस रेशियो में हैं इसकी कोई जानकारी नहीं होती, यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स एक प्रॉपर रेशियो में हैं इसकी जानकारी नहीं होती। तो आप कहो कोई चीज़ प्योर है, प्योर का मतलब उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई है जो जिसका अमाउंट फिक्स ना हो, है ना। जैसे इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करते हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा ना फिक्स होता है। इसका मतलब हम प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप की चीज़ें हों, या एक से अगर दूसरे टाइप की भी चीज़ है तो उसका रेशियो फिक्स होगा, उसका रेशियो वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है, मिक्सचर, मिक्सचर जिसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर के बनता है। और अगर मिक्सचर दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बन रहा है लेकिन उसका रेशियो फिक्स ना, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो आप एक मिक्सचर नमकीन देखते होंगे मार्केट में आते, तो मिक्सचर में अब उसमें रेशियो थोड़ा ना किसका कितना अमाउंट है ये तो थोड़ा ना दिया रहता है, थोड़ा वो वाला रहता है, थोड़ा वो वाला रहता है, थोड़ा दूसरी तरह की, हर तरह की वैरायटी की नमकीन उसमें मिला दी जाती है, तो वही तो मिक्सचर हो जाता है। तो रेशियो फिक्स नहीं होता है ना। जैसे मिक्स वेज आप सुने होंगे सब्जी का नाम, ये भी क्या है, ये इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें रेशियो फिक्स नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सबको मिलाया गया, मेजर करके 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, ऐसा कुछ हम नहीं मेजर कर रहे हैं या मिला रहे हैं, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। तो एक हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। थोड़ी थोड़ी सी बात इस पर हमने जिक्र किया, अभी हम आगे और भी डिस्कस करते हैं कि आगे क्या बात होगी, जरा गौर करिएगा। देखिए, हम प्योर और इम्प्योर की बातचीत कर रहे थे ना, तो चलो इम्प्योर और प्योर की इस बात में हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखना जरा, हमने आपसे कहा पिछली क्लास में, हमने आपको बताया था कि ये क्या है, मैटर है, है ना।
तो मैटर को बेटा हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे थे, पीछे क्लासेस में यही हुआ था। जब हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे थे तो एक पार्ट हमारा क्या बनना था, एक पार्ट हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया था, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया था, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया था। तो एक प्योर सब्सटेंस था और दूसरा पार्ट हमारा इम्प्योर सब्सटेंस था। तो आज की ये जो क्लास है इसमें प्योर और इम्प्योर पर ही तो बातचीत करनी है ना। तो हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही तरह की चीज़ें उसमें प्रेजेंट होंगी, और जो एक तरह की चीज़ प्रेजेंट होगी उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं कि एनी सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, हम कहते हैं एनी सिंगल सब्सटेंस, क्या पढ़ोगे, एनी सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू अदर काइंड ऑफ एटम, सेपरेटेड into other kinds of matter, by any physical process, यानी किसी physical process से हम उसे other kinds of matter में separate नहीं कर सकते। ये तो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि एनी सिंगल सब्सटेंस, कोई अकेला ऐसा कोई सब्सटेंस हो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, यानी कि जिसको हम किसी दूसरे तरह के मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते, दूसरे सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी किसी फिजिकल प्रोसेस से ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें केमिकल कंपोजिशन यूनिक होता है, यानी कि अगर हम कंपोजिशन की बात करें और प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं, फिक्स होती हैं, इसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी वेरिएशन नहीं होता। ओवरऑल आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम प्योर सब्सटेंस का जिक्र कर रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस में बेटा कंपोजिशन फिक्स होता है, यानी जो चीज़ें उसमें मिलाई गई हैं उनका रेशियो फिक्स होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी मैटर प्रेजेंट है, उसका रेशियो फिक्स होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स होगी, उसमें कोई वेरिएशन बाद में नहीं आ सकता। जबकि जब हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाए, तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें दो या दो से अधिक, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, अब दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड्स हो उनका कॉम्बिनेशन हमें करना है, ठीक है, लेकिन केमिकली नहीं, फिजिकली। आप कहोगे कि वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन की बातचीत नहीं कर रही है। यानी कि हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, यानी कि आप ये पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड या एलिमेंट क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड नहीं है, एंड देयर प्रोपोर्शन या रेशियो, यानी कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वह भी फिक्स नहीं है, एंड इट्स रेशियो या इट्स कंबाइनिंग रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वह भी बेटा फिक्स नहीं होता है, यानी कि किसी रेशियो में यह कंबाइन हो सकते हैं। यानी कि आपको यह बताया गया कि दो या दो से अधिक चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, वह केमिकली कंबाइन नहीं होती और उसके कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं होता, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिर से सुनना, दो या दो से अधिक चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होती, उनका रेशियो फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं इम्प्योर सब्सटेंस का। जरा एक बार और ध्यान से सुनिएगा,
आप कहेंगे टू आर मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आर नॉट केमिकली कंबाइंड, यानी कि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते, इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं है, और दूसरा कंबाइनिंग रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, इनका रेशियो भी फिक्स नहीं होता। जबकि आपको अगर हम इसका एक डेफिनेशन बताएं, तो अगर इसके रिलेशन में इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे इसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनका रेशियो फिक्स होता है, और आप कह सकते हैं अगर रेशियो फिक्स है, कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें रेशियो फिक्स होता है, कंपोनेंट्स की मात्रा जो भी प्रेजेंट हैं कंपोनेंट उनके रेशियो और उनके प्रोपोर्शन की जानकारी भरपूर हमें मिल जाती है, लेकिन इस मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर, और वैसे भी नाम से हमें पता चल रहा है कि जो प्योर ना हो उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, और जिसके अंदर प्योरिटी है, कन्फर्मेशन है हर चीज़ की, तो वह क्या हो जाएगा, वह एक पार्ट हो गया इसका, और जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है वह इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने समझाया कि मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक को प्योर सब्सटेंस कह दिया, एक को इम्प्योर कह दिया। अब बेटा इसी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अगली बात क्या आएगी कि फिर हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे। तो हम जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि मैटर को जब हम प्योर सब्सटेंस इम्प्योर में डिवाइड करते हैं, फिर प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में पढ़ते हैं, और वो दोनों पार्ट क्या है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो चलिए उस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि एलिमेंट किसे कहेंगे और कंपाउंड किसे कहेंगे। यानी कि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें यह भी एक बात आ गई थी, ये मैटर था ना बेटा, इस मैटर को हमने क्लासिफाई किया था, एक पार्ट यहां बनाया था, दूसरा यहां बनाया था। इस पहले वाले पार्ट को हमने प्योर सब्सटेंस कहा था और दूसरे वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, इम्प्योर सब्सटेंस कहा था, और इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या हुआ था, मिक्सचर हो गया था, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें मिक्स हों लेकिन रेशियो फिक्स ना हो। फर्दर हम ये कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट, तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, तो एक पार्ट को हम बेटा एलिमेंट कह देते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यानी फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड, और ये जो मिक्सचर है इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट बनते हैं, एक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे और दूसरे को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा और दूसरे को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, ये अब देखो, अब ये क्लासिफिकेशन, यानी कि अब जो अगली क्लास होगी, अभी पहली क्लास में हमने आपको बताया मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन किया प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस में, और पूरा क्लासिफिकेशन जितना बड़ा था ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन करके हमने दिखा दिया। अब दूसरी जो बात आई उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए बेटा, एक एलिमेंट हो गया, एक कंपाउंड हो गया, इसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई कर दिया। आपको याद हो तो लेक्चर वन इंट्रोडक्शन का था, लेक्चर टू में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सिखाया, लेक्चर थ्री जो अभी आज चल रहा है इसमें हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस आपको बता दिया। अब लेक्चर फोर जो होगा उसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। लेक्चर फाइव में हम मिक्सचर में डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तब जाकर के ये हमारा पोर्शन आगे क्लियर होगा, इसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। तो उम्मीदन आज की ये क्लास का ये पोर्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। एक बार दोबारा सुन लें, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो बेटा, जिसके अंदर डोपिंग ना हो, जिसके अंदर हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ ऐड ना कराएं हो, जिसका रेशियो फिक्स ना हो। यानी प्योर सब्सटेंस में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन कंपोनेंट्स का रेशियो हमें फिक्स रहता है, उनकी वैल्यू हमें सब कुछ पता रहता है, ठीक है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होते हैं, मिक्सिंग के बाद वह केमिकली कंबाइन नहीं होते, यानी उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, और तीसरा जो बात इसमें बताई गई कि वो जितने भी मिक्सचर हम बना रहे हैं
उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन उसका फिक्स नहीं होता, यानी कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस इंप्योर सब्सटेंस का ये लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लेक्चर 4 में बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो और साथ में हर कोई पढ़ सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।